दोस्तों कैसे हो आप सब सब सही होंगे। तो आपको थंबनेल और कैप्शन से पता चल गया होगा कि मैं आज आया हूँ, जो पीछे आप देख सकते हैं नेशनल रेल म्यूजियम जो चाणक्यपुर में है न्यू दिल्ली। और ये ओपन हुआ था फरवरी 1, 1977। तो चले फिलहाल चलते हैं अंदर और एंजॉय करते हैं राइड को। फिलहाल मैंने दो टिकट लिए हैं, एक ली है मैंने जॉय ट्रेन राइड की और एक कोच सिमुलेटर की, और दूसरी है स्टीम सिमुलेटर की राइड। तो देखते हैं कैसी होती है और शुरुआत करते हैं इस जर्नी को। तो मैं अभी रेल म्यूजियम में हूँ और यहाँ पीछे देख सकते हैं एक स्टीम लोकोमोटिव है। चलिए अंदर चलते हैं और काफी कुछ देखते हैं क्या क्या एंजॉयमेंट के लिए है। ये आप देख सकते हो एक नैरो गेज ट्रैक, एक टॉय ट्रेन का ट्रैक है और एक पुराना स्टीम लोकोमोटिव मेरे पीछे। देख के लग रहा है पुराने जमाने के लग्जरी कोच या फिर जो पैसेंजर ट्रेन के कोच होते थे वो हैं। स्टीम लोकोमोटिव टॉय ट्रेन का कितना पड़ गया क्या है। और ये एक फाटक टॉय ट्रेन के लिए कोई आ गया है ना। ये शायद शंटिंग लोकोमोटिव है क्योंकि एस आर लिखा है इस पर। कंट्रोल्स आप देख सकते हो इसमें। इसमें भी गाइड है कि आप इसमें स्कैन करो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। स्टीम लोकोमोटिव काफी अच्छा लग रहा है। सीनरी दिखाते हैं, ये एक लोटस टेंपल। और ये एक और फ्रेट ट्रेन यहाँ पे कार को लेके जाती है। ये लखनऊ को अच्छा दर्शाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ एक राजधानी जैसी ट्रेन लगभग वही वापस आ गई है। और स्टीम लोको इस पे HP लिखा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो मुंबई में है, मुंबई का रेलवे स्टेशन। काफी बढ़िया जर्नी है यहाँ पे। अगर आप आओ तो आराम से घूम सकते हो, काफी कुछ मिलेगा आपको यहाँ देखने को। और सारे लोकोमोटिव पे ये लगा रखा है, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो इसको स्कैन करिए और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लोकोमोटिव काफी अच्छा लग रहा है। एक्सीडेंट टूल वैन ये वाली, इसमें हम वो शायद हावड़ा का ही एक स्टेशन है। काफी अच्छा लग रहा है।
ये केबल केबल कार जी। एक बार बार लोको आ गया हमारा स्टीम लोको। यहाँ पे कुछ पुराने कोचेज रखे हैं जो पैसेंजर्स के लिए यूज होते थे लेकिन अब नहीं चलते हो। और ये शायद मीटर गेज या ब्रॉड मीटर गेज के ही लगते हैं क्योंकि पहले मीटर गेज ही चलती थी। यहाँ पूरे कवर करके रखे हुए हैं जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ करके रख दिए हैं वो। काफी बॉडी है इसके अंदर। इसके पीछे भी एक स्टीम लोको खड़ा है सारा। वो लोकोमोटिव काफी बेहतरीन। व्हील्स देखिए आप कितने बड़े व्हील्स जो आप हमें लोकोमोटिव में नहीं मिलते देखने को। इतने बड़े व्हील्स हैं इसमें और काफी अलग है अब के लोकोमोटिव से। और बाकी आप कपलिंग देख सकते हैं। ये स्क्रू कपलिंग ही लगा है। ये स्क्रू कपलिंग है लोकोमोटिव में। पफर कपलिंग अब यूज होने लगी है लेकिन पहले सारी स्क्रू कपलिंग ही होती थी। और लाइट्स देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं। यह है लाइट कितनी बड़ी बना रखी है लाइट। सर लेस्ली विल्सन इसको नाम दिया है लोकोमोटिव को। कंट्रोल देख सकते हैं तब के एक रोटेटर है। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन चलती है उसके थोड़े नज़ारे। ये है वहाँ दार्जिलिंग का एक छोटा सा लोकोमोटिव जो अब यहाँ रखा हुआ है। अब नहीं चलती है लेकिन दार्जिलिंग में जो जैसे चलती है वैसे यहाँ दिखा रखा है। देख सकते हैं आप ऊपर एक लोकोमोटिव है और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नेशनल रेल म्यूजियम बना रखा है पूरा अच्छे से। छोटा सा स्टेशन स्टीम लोकोमोटिव के साथ। आपको मैं दिखा सकता हूँ एक और लोकोमोटिव स्टीम लोकोमोटिव। एक और ये वही लोकोमोटिव है जो सबसे पहली राजधानी में लगा था हावड़ा राजधानी जिसे हम कहते हैं। और यह WDM4 मुगल सराय का। और यहाँ आप देख सकते हो इसमें CVC कपलिंग और स्क्रू कपलिंग दोनों है। ये स्क्रू कपलिंग और ये है हमारी CVC कपलिंग और ये हमारा WDM4 लोकोमोटिव। काफी देखिए बेहतरीन लग रहा है ना। बहुत ही अच्छा लोकोमोटिव लगता है अब भी। पूरा एक सर्कुलर हॉलो शेप का थोड़ा कर रखा है जिससे आराम से घुमाया जा सके इसको।
यहाँ पे लोकोमोटिव रख के, कोई भी मीटर गेज का हो, रॉड गेज का हो, उसको यहाँ रख के हम घुमा सकते हैं। मिल जाती है, जैसा आप देख सकते हैं, यह है बफर कपलिंग और यह स्क्रू कपलिंग और यह है WDM1। फोटो ले ली जाए।